दी, कर लो कर लो झगड़ा होली के दिन। तो ये अभी हमारा फेसबुक का लाइव चल रहा है, जो कि लाइव इवेंट था हमारा, तो बहुत एंजॉय कर रहे थे हम यहाँ पे अपने नए वाले घर में होली पहली बार। क्या बात है, तो यहाँ पे कल वाला ब्लॉग देखा जा रहा है और यहाँ पे हंस हंस के मतलब ब्लॉग देखने नहीं दे रहा, सही इतना हंस रहा है ब्लॉग देख के, इतना फनी होता है कि मेरा ब्लॉग भाई अगर मेरे को लगे तो दोनों को मारूंगा। अरे भाई मार मार मारो इसको, मार लात लटमार होली चल रही है, मुक्का मार होली। तो अभी है इंडिया न्यूज़ का शूट, तो उसके लिए सारी तैयारियां हो गई हमारी। अबे सनी अपना झाल लेके बैठा है, दीदी का हारमोनियम, मेरा तबला, और सनी को ये मज़ा आ रहा है डिफरेंट का याद यहाँ पूरा कर रही है। तो अभी हम लोग का लाइव था इंडिया न्यूज़ पर, जो कि हो चुका है और आप देख सकते हैं हम लोग का सेटअप कितना जुगाड़ू है। हम लोग देखे हनी के तबले वाले को हमने स्टैंड बना लिया, ये पीछे स्टैंड, ये सब देखे देखे दे। सब चीज़ को बढ़िया यूटिलाइज कर रहे हैं। बाकी अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने भाई लोगों से। होली है, हैप्पी होली, स्वागत है सभी का आज के ब्लॉग में। आज है 29 मार्च और आज है होली का दिन, और अभी आए हुए हम अपने नए वाले अपार्टमेंट में होली मनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे रिकॉर्डिंग थे दीदी का फेसबुक लाइव का सेशन। बोलते रहते अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, बस 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 बचा लो, सांस कैसे लेगा वो। तो हमारा सारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया यहाँ से, अब वापस चलते हैं घर और मम्मी को जाके कलर लगाते हैं। मम्मी को अभी तक कलर नहीं लगाया हमने। हैप्पी होली पापा को भी हमने रंग लगा दिया। तो हम घर वापस लौट चुके हैं और अभी बज रहे 4:15, और जो कलर लगाया था दीदी ने और सनी ने मुझे, मेरा पूरा सर दर्द कर रहा है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और आज मम्मी ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है, दही भल्ले, आलू कटहर का सब्जी, कदीमा का भुजिया, बहुत कुछ बहुत कुछ। चल के खाना खाते जल्दी से। मम्मी हैप्पी होली। ए हनी सनी। हाँ जी मम्मी, बोलो बोलो बोलो। बेड पे खाना मत खाना कोई। ओके मम्मी, मम्मी हैप्पी होली। मम्मी अब क्यों गुस्सा हो गई, कल ही तो मम्मी ने मेरे को मनाया था। मम्मी हैप्पी होली। अरे को भी हैप्पी होली। थैंक यू मम्मी। पापा को दे आओ। चलो भाई पापा को खाना दे आते हैं। मम्मी आज ही मालपुए बनाओगे आप? काम में बना लूंगी। मम्मी भुजिया भी बना दो प्लीज। ढेर सारा रखा हुआ है। अरे वो तो वो है ना होटल वाला, आप जो अपने हाथ का बनाते हैं ना, उसमें सूजी जो टपकता है, आहा मजा आ जाता है। तो अभी करीब बज रहे हैं 9:30 रात के, और अभी मैं बैठा हूँ पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं सही में पढ़ाई कर रहा था, ये सारे मेरे बुक्स और मैं लैपटॉप पे नोट्स निकाल के पढ़ रहा हूँ सारे। और मम्मी मुझसे फिर से नाराज़ हो गई है, क्योंकि मैं जब वहाँ से आया था तो मैं बिना मुँह हाथ धोए ऐसे ही बैठे पड़ गया और सोया भी नहीं, तो फिर से नाराज़ हो गई, फिर से मनाना पड़ेगा मम्मी को। तो बस अब थोड़ी देर में खाना लग जाएगा, खाना पीना खा के फिर आज का करेंगे शायरी, शायरी वाला सेशन। ये रहा भाई मेरा पूरा नोट वोट बुक, आज तो पूरा बुक ख़त्म कर देंगे। तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ और मम्मी मान गई। मम्मी मान गई, फिर से आराम से मान जाती है मम्मी, कभी गुस्सा होती है 10 मिनट के लिए फिर मान जाती है, क्योंकि घर का तो काम मैं ही करता हूँ ना सारा, बाहर का तो मुझसे कब तक गुस्सा हो गए। अरे यार कितने प्यारे से बैठता है ये पागल वाला लग गया। ए सनी सो के उठ के भी आ गया। खजूर दहक न कट है। डिफरेंट को खजूर खिलाओगे? डिफरेंट मलपुआ खाएगा। मलपुआ खाएगा रे।
सनी इसको कुछ बोली हो, देखना है मुझे कि तेरी बात मानता है कि नहीं। ये मम्मी ने डिफरेंट को दिया है खजूर, डिफरेंट पक्का नहीं खाएगा, उसको पसंद नहीं आएगा देखना। मम्मी छोटा छोटा कर दो, अकेला खाता है। क्या बोल रहे हो मम्मी आप? आज इसके लिए रोटी नहीं है, नहीं खाएगा वो, खाना होता तो तुरंत खा चुका होता वो। एटीट्यूड में ही है, जब हम जाएंगे तब खाएगा, हम इसका दिया हुआ क्यों खाए, ऐसा इसका मन है। खाया मम्मी, अच्छा लगा उसको, मम्मी की तारीफ कर दो। कितना टाइट हो रहा है, वो खा नहीं पा रहा बेचारा। अरे ऐसा जब बैठ जाते ना वो आराम से खाएगा, जैसे खाता है बेड पे, कटोरी में पानी डाल दो, पानी पिएगा बाद में। मम्मी इसको जो दूध पिला रहा है, मुझे थोड़ा पिला देते कभी पहला। एक काम करो मम्मी, एक कटोरी और रख दो यहीं पे, दोनों साथ में बैठ के पिएंगे। पिएगा डिफरेंट के साथ। तो हमें किसी ने मैसेज किया था कि डिफरेंट को जो बिस्किट देते हैं तो उसको कुछ स्किन का एलर्जी हो सकता है, तो उसको दूध वूध भी दिया करो। तो हम उसको देना शुरू कर दिए दूध, ब्रेड जो भी होता है उसके लिए। टाट पूछ गया एकदम, पूछ लिया। अरे अरे वाह, दूध पी के निकल गया वो तो। देखो खाया पिया और निकल गया, ये बोला छोड़ना। अब घूमने दो, बचेगा खाना पीना। मम्मी आप गुस्सा तो नहीं हो ना? छोड़ना। तो अभी 10:05 हो गए, दीदी को लाइव जाना है। मैं दीदी के फोन से व्लॉग शूट करता हूँ कभी कभी। दीदी कभी कभी नहीं, हमेशा कैमरे को होते जाओ व्लॉग लाइव, चले जाओ फेसबुक पे। हाँ तो अभी बज रहे हैं रात के 12:05 और अभी दीदी का एडिटिंग का काम चल रहा है, जो कि दीदी के चैनल पे व्लॉग आएगा, मैथिली इज लाइव पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और सनी तो सो गया था, और जैसे डिफरेंट को दूध पिलाने दीदी मम्मी गई तो उठ के तुरंत ही और फास्ट चला गया वहाँ पे। सनी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, लैपटॉप में थोड़ा खंगाल रहा उसको। एक कुछ सुना दे बढ़िया सा। एक सुना देता, जैसे आज होली था तो कुछ एकदम तरकता भरकता से सुना दे। इतना गंदा वाला लेम सुना, इतना गंदा लेम, मतलब तुक ही नहीं बनेगा। सुना, कुत्ता के मुंह में दही, हमारे मुंह में लस्सी। कुत्ते तुक बना नहीं ना, हंसी आ गया होगा यार। चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे लोग ऐसा सुनाएगा। बाप रे। सनी अब एक बहुत बढ़िया शायरी एकदम माइंड में आ गया मेरे को, सुना दे। मैं आधा घंटे से शायरी ढूंढ रहा था आप लोगों के लिए, तो आप शायरी सुनिए मेरा वाला। सनी पकड़ो ऐसे, आज है होली। बोलो। वाह वाह तेज बोलो। वाह वाह, आज है होली, गुब्बारों को फोड़ना। आगे क्या सुनोगे? छोड़ना। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हम दोनों भाई भाई की ओर से खत्म, टाटा बाय बाय। छोड़ना जाने दो, अब जाने भी दो।